नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात अब छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल के अभिभाषण में गांव, खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जिक्र रहा। हालांकि विपक्ष ने अभिभाषण से पहले ही अपने आक्रामक तेवर जाहिर कर दिए, जिसे देख की आशंका जताई जाने लगी कि बजट सत्र भी हंगामेदार हो सकता है। इस बीच आने वाले बजट को लेकर भी जनता की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के वित्त मंत्री भूपेश बघेल जब बजट पेश करेंगे तो जनता के हिस्से राहत जरूर आएगी। आपके मुद्दे में आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सदन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। करीब 40 मिनट के अभिभाषण में राज्यपाल गांव, खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बोली। अभिभाषण में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का भी जिक्र रहा। किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्यपाल इस वर्ष पिछले साल की किस्त नहीं मिली तो 5,900 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अभी तक 85% राशि दी जा चुकी है। अभिभाषण में आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर भी खासा जोर दिखा। मेरी सरकार ने प्रदेश के 14 आदिवासी बहुल जिलों के 25 विकास खंडों में 1,735 करोड़ रुपए की लागत से चिराग परियोजना की शुरुआत कर दी है। नरवा, गरवा, दुर्वा, बारी को बचाने का जो संकल्प लिया था, वह सफलता के नए नए शिखरों को छू रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ को मिले राष्ट्रीय पुरस्कारों का भी जिक्र था। मुझे यह कहते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है कि 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर जो 36 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उनमें से अधिकांश पुरस्कार अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायत राज संस्थाओं को मिले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तर्ज पर भूमिहीन किसानों के लिए भी एक योजना ला रही है। राज्यपाल के अभिभाषण में इसका विशेष तौर पर जिक्र किया गया। मेरी सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत इसी वित्तीय वर्ष से करने का वादा भी निभाया है। इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा इलाका वनाच्छादित है, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार वनोपज पर भी खासा फोकस कर रही है। मेरी सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से 27 लाख परिवारों को वन उपज के कारोबार में भागीदार बनाया है। छत्तीसगढ़ में रोजगार को लेकर हाल के दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी। ऐसे में अब सरकार आंकड़ों के जरिए विपक्ष को जवाब दे रही है। मेरी सरकार ने हर हाथ को काम देने की दिशा में बहुत ही स्पष्ट सोच रखी है, जिसके तहत सरकारी विभागों, अर्ध सरकारी संस्थाओं में स्थायी भर्ती तथा अन्य माध्यमों से नौकरी के दरवाजे खोले गए हैं। बिजली का बिल भी एक ऐसा मसला रहा जिस पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश होती रही। मौजूदा सरकार भी इस मसले को लेकर सक्रिय रही है। बिजली बिल हाफ योजना के तहत 40,56,000 घरेलू उपभोक्ताओं को 2,100 करोड़ रुपए से अधिक की छूट मिल चुकी है। 5,81,000 किसानों को सिंचाई पंप कनेक्शन में छूट का लाभ मिल रहा है। बहरहाल राज्यपाल के अभिभाषण में 55 बिंदु थे, लेकिन मूल रूप से सारा फोकस कृषि और गांवों पर ही था। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण के शुरू होने के ठीक पहले विपक्ष आक्रामक नजर आया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने जो वादे पूरे नहीं किए हैं, उसके बारे में चर्चा ना ही हो तो बेहतर है। इसके अलावा भी राज्यपाल के पूरे अभिभाषण के दौरान विपक्ष की ओर से टीका टिप्पणी होती रही, तो कुल मिलाकर पहले दिन ही विपक्ष ने अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं। अब देखना होगा कि आगे सदन की कार्यवाही कितनी कंस्ट्रक्टिव और कितनी प्रोडक्टिव रहती है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।
और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा धनंजय सिंह ठाकुर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। थोड़ी देर में विमल चोपड़ा जी भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। लेकिन धनंजय ठाकुर जी, सवाल यह है कि अभिभाषण था, पहला दिन था, आप लोगों की सत्ता है, फुल मेजोरिटी है अच्छी खासी, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष सवाल उठाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके विधायक ही मौका दे देते हैं विपक्ष को सवाल उठाने का। पिछली बार सत्र हुआ तो बृहस्पत सिंह का मुद्दा गरमा दिया, इस बार आपकी एक विधायक स्कूटी पर आ गई। विधायक एक मत नहीं है क्या पार्टी के अंदर, उनकी समस्याएं दूर नहीं हो पा रही? हेलो हेलो धनंजय जी, आवाज जा रही है आप तक? जी बोलिए जी। सवाल यह था कि विपक्ष सवाल उठाए, उससे पहले ही आपके विधायक कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा छोड़ देते हैं कि विपक्ष को मौका मिल जाता है निशाना साधने का। पिछले सत्र में बृहस्पत सिंह का मुद्दा खूब गरमाया, इस बार एक विधायक स्कूटी से आ गई आपकी अपनी सुरक्षा छोड़कर। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने 6 साल में जो काम किया है, जिसे छत्तीसगढ़ खुशहाल हुआ। यहाँ किसान कर्ज मुक्त हुए हैं, किसानों को धान की कीमत 2500 रुपए से मिल रहा है, उसके साथ में कोदो कुटकी रागी गन्ना दलहन तिलहन लगाने किसानों को भी लाभान्वित किया जा रहा है। आदिवासी वर्ग को भी लाभान्वित करने का सरकार कर रही है। तेंदू पत्ता का मानदंड बढ़ाने गए, 61% समर्थन मूल्य में खरीदी की जा रही है। 40 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ की सुविधा प्रदान की जा रही है। 5,81,000 किसानों को स्थायी पंप कनेक्शन दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जो राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण थे, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार के कामों की तारीफ हो रही थी और राज्यपाल महोदय जी ने अपने सरकारी कामों को सदन में रखने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक चूंकि छत्तीसगढ़ विरोधी कृत्य में सदा लगे हुए हैं, तो उन्हें राज्यपाल महोदय जी के माध्यम से सदन में जो सरकार के कामों की चर्चा हो रही थी वो उनको पता ही था, इसलिए वो हंगामा कर रहे थे। और छत्तीसगढ़ के ये मैंने दूसरा सवाल पूछा धनंजय ठाकुर जी, अगर आप तक आवाज गई मेरी, मैंने पूछा कि आपके अपने ही विधायक कुछ ना कुछ मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं हर बार। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो विपक्षी पार्टी के जो विधायक हैं उनके सवालों का, उनके कपोल कल्पित जो आरोप हैं उनका मजबूती के साथ सदन में जवाब देती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, कांग्रेस के विधायक जनता के लिए काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के काम की तारीफ देश और विदेश में हो रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या सदन में राज्यपाल महोदय जी के द्वारा सरकार की बातें बताई गई क्या उसको स्वीकार करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी बेवजह के हंगामा कर रही है? सदन में देखेंगे आप राज्यपाल महोदय जी को बार बार टोकन डाकियों के द्वारा किया गया है, जवाब कहां से मिलेंगे सर? क्वेश्चन आपको पता है कितने लगे हैं, कितनों का जवाब मिल पाता है, कितनों पर डिस्कशन हो पाती है, पता है ना सर आपको? 1499 ऑनलाइन क्वेश्चन लगे हुए हैं, सरकार उसके जवाब देने तैयार खड़ी हुई है। अभी सदन की कार्यवाही शुरू हुई है, सवाल चर्चा होगी, ये गारंटी दे रहे हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी? जवाब मिलेगा, ये गारंटी आप दे रहे हैं कि सब पर चर्चा होगी, एक एक सवाल पर चर्चा होगी? या आपको भी पता है सर सब पर चर्चा नहीं होती है, एक घंटे में कितने सवाल हो जाएंगे? निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र है, सरकार पूरी मजबूती के साथ विपक्ष सवालों का जवाब देने देगी। और सवाल ये उठता है कि विपक्ष अपने जवाब सुनने की क्षमता रखते नहीं रखते हैं, क्योंकि विपक्ष तो झूठे आरोप लगाती है, उसमें सच्चाई के सामने विपक्ष को करनी है, सरकार जवाब देने खड़ी हुई है। विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विमल चोपड़ा जी आपका बहुत स्वागत। और सवाल ये है कि सर थोड़ा सा संयम रखे विपक्ष, आज जवाब क्या राज्यपाल को देना था आप लोगों को, चर्चा होनी थी सरकार से, तो राज्यपाल जब पढ़ रही थी अपना अभिभाषण तो उनके पद का ही सम्मान रख लेते, बीच में टोका टाकी हर चीज का, बीच में सवाल पूछना, तो उसका जवाब क्या आप लोग चाहते हैं कि राज्यपाल आप लोगों से चर्चा करें सदन में? नहीं, देखिए ऐसा है लोकेंद्र जी, यदि कांग्रेस राज्यपाल जी के मुंह से झूठी बातें बोलवाएगी कि आप ये रखिए ये बोलिए, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी को विरोध करना पड़ेगा। और ये कोई नई परंपरा नई चीज नहीं है, कांग्रेस भी जब विपक्ष में रही है कांग्रेस ने भी टोका टोकी की है। लेकिन जहां तक विधानसभा सत्र की बात है कि अभी बोल रहे थे हमारे कांग्रेस के धनंजय जी जो बोल रहे थे कि सच सुनने की ताकत नहीं, अरे सच सुनने सवाल लगाया है हमने, आप जवाब दीजिए सवाल का, लेकिन आप में जवाब देने की ताकत नहीं। आप देखेंगे जब जब जो है जवाब कौन देगा? विमल चोपड़ा जी जवाब कल आपको चर्चा का मौका मिलेगा ना सर, चर्चा करिएगा। जी जी, आप तो खुद विधायक भी रहे हैं ना। जी जी, नहीं नहीं चर्चा होगी। देखिए जब भी विधानसभा में चर्चा होती है तो जब कवासी लखमा जी से सवाल पूछा जाता है तो मोहम्मद अकबर जी को खड़ा कर दिया जाता है,
जब मंत्रियों से सवाल पूछा जाता है तो अधिकारियों की तरफ वो जवाब आप क्या चाहते हैं कि वो वहीं पर करेक्शन कर राज्यपाल करेक्शन कर आपको जवाब दें, आप लोग ये चाहते हैं? नहीं नहीं, राज्यपाल जी जवाब नहीं देंगे, लेकिन यदि राज्यपाल जी के मुंह से कोई गलत बातें सरकार कहलाएगी कि हमने ऐसा किया, तो उसका प्रश्न जो है वहां उठेगा कि यदि सरकार झूठ बोलवा रही है, गलत बोलवा रही है, तो उसके लिए प्रश्न उठना लाजमी है और वो प्रश्न उठते भी रहे हैं, कोई नई बात नहीं है कि राज्यपाल जी यदि अभिभाषण कर रही है तो उस पर भी जो है सवाल वहां पर पूछे जा सकते हैं कि ये गलत बातें क्यों बोलवाई जा रही है। जबरन के इस प्रकार जो है कांग्रेस के लोगों को नहीं करना चाहिए। वास्तव में जो काम नहीं, आप लोगों के पास तो ऐसी खबरें बीच बीच में आती हैं कि कोई रिपोर्ट अगर राज्यपाल के पास जाती है तो आप लोग सवाल उठाने लगते हैं पहले ही। हो सकता है कि मैं, हालांकि इस बात को संवैधानिक रूप से नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ एक तंज के रूप में आपको कहना चाह रहा हूं इस चीज को कि आप लोगों के पास तो चीजें पहले पहुंच जाती, राज्यपाल जी को सुझाव दे देते कि मैम जो आपको ये भाषण लिखकर दिया गया इसमें करेक्शन है, करेक्शन कर लीजिए तो हमारे लिए सुविधा हो जाएगी, कर लेते सर। नहीं नहीं, ये तो विधानसभा के पटल की बात है, कोई हमारे पास पहुंच नहीं, वो की रिपोर्ट नहीं आपके है। पास पहले पहुंच जाती है ना कि सरकार क्या छिपा रही है, तो इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा था सर। नहीं नहीं, झीरम की रिपोर्ट भी कहां हमारे पास पहले पहुंचे, ये तो झीरम की रिपोर्ट जो है माननीय न्यायाधीश ने जो है वो उन्होंने राज्यपाल जी को दिया और उसके बाद जो है ना सरकार उसको आज तक सार्वजनिक कर रही है ना विधानसभा के पटल पर रख रही, क्योंकि सरकार के मनवाफी की रिपोर्ट नहीं आती तो वो नया जो है आयोग गठित कर देती है। जो इस प्रकार की चीजें हैं कांग्रेस की सरकार हर चीज तो आगे से कर लेते हैं धनंजय जी की विपक्ष की भी भूमिका उसमें रहे, जो करेक्शन वो चाहते हैं वो करेक्शन करवा दीजिएगा आप पहले। छत्तीसगढ़ मॉडल की जो तारीफ देश में हो रही है, जो 3 साल में छत्तीसगढ़ में किसान प्रजमुक्त हुए, किसान के जो चेहरे में खुशियां दिख रही है, 40 लाख भुगताओं को जो बिजली की सुविधाएं के हाथ लाभ मिल रहे हैं, यहाँ के आदिवासी वर्ग को उनका हक अधिकार मिल रहा है, जो भाजपा के शासनकाल के दौरान आदिवासी जेल में बंद थे उनको हमारी सरकार ने जेल से बाहर निकालने का काम किया है, तेंदुलकर का मानदंड बढ़ाने का उनको आसान किया जा रहा है, इन चीजों को विपक्ष कैसे बर्दाश्त कर सकती है? जो विपक्ष में भाजपा बैठी हुई है ना केंद्र जी, 15 साल सत्ता में रही है और इन्हीं वर्गों का शोषण किया है, इन्हीं वर्गों पे अत्याचार किया है, और वो वर्ग अगर कांग्रेस सरकार में कुछ हाल हो रही है तो क्या विपक्ष इस चीज को बर्दाश्त कर पाएगी क्या? मैं भी सुन रहा था हिमांश चोपड़ा जी को, विधायकी का इनका ज्ञान है, मैं उस पर कुछ कमेंट्स नहीं करूंगा। राज्यपाल महोदय जी के जबान पे झूठ बुलाने के जिस प्रकार की राजनीतिक बातें कर रहे हैं, क्या ये सुना देते हैं उस पर की तरीका का ख्याल इनको तो रखना चाहिए? राज्यपाल महोदय जी ने जो बातें कही है उसकी तारीफ तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अगर गोधन योजना के विषय में बात होती है तो प्रधानमंत्री जी को आज कहना पड़े है कि 10 मार्च के बाद छुट्टा जानवरों के विषय में चर्चा करेंगे, गोबर खरीदेंगे, तो इसके मतलब क्या नरेंद्र मोदी जी भी झूठ बोल रहे हैं? देश में जो छत्तीसगढ़ सरकार है ना जो गोबर खरीद रही है, छुट्टा पशुओं पे विराम लगा रही है और इसी मॉडल की चर्चा वहां पर हो रही है। ठीक, मैं लौट रहा हूँ सर आप लोगों के पास, मैं जयंत वर्मा जी के पास जा रहा हूँ। जयंत वर्मा जी, एक बड़ा पद है, संवैधानिक पद है राज्यपाल का, और उसके बारे में अगर ये कहा जाए कि आप झूठ बोल रही हैं और वो भी सदन के बीच में टोका टाकी हो, ये तो सर उस पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाली बात है। देखिए लोकेन्द्र जी, ये जो राज्यपाल का अभिभाषण है ये तो सरकार का लिखा हुआ होता है और इस अभिभाषण पे बहस के लिए समय निर्धारित होता है इसके बाद, और बजट आता है, बजट प्रस्तुत होता है, फिर बजट पे बहस होती है सारी। तो उस समय जब राज्यपाल धन्यवाद का प्रस्ताव एक आता है राज्यपाल के अभिभाषण पे, अब धन्यवाद के प्रस्ताव के समय आप ये सारी बातें कहिए ना, तो यदि वो झूठ कह रहे हैं तो राज्यपाल थोड़ी झूठ कह रहे हैं, वो तो सरकार ने जो लिख के दिया है वो कह रहे हैं, और आपके पास पूरा अवसर है उसका कि भाई आप उसको कंट्रडिक्ट करें वहाँ पे जब आपको मौका मिलेगा। तो ये मुझे लगता है कि इस प्रकार से तो टोका टाकी नहीं होनी चाहिए, और कांग्रेस का भी जब सरकार रहती है तो अब ये तो बड़ी विडंबना है कि मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके प्रतिनिधि दिल्ली में जो सरकार है उनके प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर हैं और ये कांग्रेस की सरकार है, और वो यदि
बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं सरकार की, तो ये थोड़ा सा लगता भी होगा भारतीय जनता पार्टी वालों को कि भाई ये तो राज्यपाल तो हमारे हैं पर इसमें इतनी ज़्यादा तारीफ ये कांग्रेस की क्यों कर रहे हैं, पर वो तो सरकार का पूरा वक्तव्य होता है, तो ऐसा टोका टाकी तो नहीं किया जाना चाहिए। बाकी जयंत शर्मा जी, अभिभाषण में विपक्ष का कहना है कि हमें समय कम मिल रहा है और समय कम मिल रहा है तो जाहिर बात है टोका टाकी हम करेंगे, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि बजट सत्र तो कम से कम बड़े होते थे, उनकी समय सीमा भी अब कम होती जा रही है और सत्र तो तीन तीन चार चार दिन के हो ही रहे हैं। देखिए ये पूरे हिंदुस्तान में अब देखा जा रहा है कि सरकार लोकतंत्र से कैसे अपने आप को बचाए, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता का जो फोरम है वो तो वही है, विधानसभा और लोकसभा है और राज्यसभा है या जहाँ पे विधान परिषद है वो सब है, पर अब उसका समय कम से कम रख रहे हैं, यानी सरकार चाहती है कि जनता का नियंत्रण हमारे ऊपर कम से कम हो और जो हमारे ऑफिशियल काम है वो निपट जाए, बल्कि खेल खत्म हो जाए, तो ये तो जनता के जो ग्रेवेंसेस हैं उसको यदि फोरम नहीं मिलेगा तो फिर वो सड़क पे आएंगे और सड़क पे उसका विरोध करेंगे, सब करेंगे, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं पैदा होंगी। तो मुझे लगता है कि ये अधिक समय होना चाहिए। अमेरिका में तो जो सीनेट है वो साल भर चलता है, 2 बजे के बाद चलता है, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान में साल भर चलाया जा सके? यदि साल भर चलेगा संसद या विधानसभाएं साल भर चलेगी तो सरकार या नौकरशाही के ऊपर, प्रशासन के ऊपर सतत नियंत्रण रहेगा, उसी दिन यदि कोई गड़बड़ हुई है तो वहां पे उसका सवाल उठाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इसको देखा जाना चाहिए और इसके संबंध में हमारे जो जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं उन लोगों को मिल के तय करना चाहिए कि कितना समय अल्टीमेटली हम जनता को दें, और अधिकांश समय जनता को देना चाहिए, क्योंकि विधानसभा का समय तो जनता का। वर्मा जी, आज एक और कांग्रेस पार्टी के विधायक चर्चाओं में रहे, अपनी सुरक्षा को लेकर, स्कूटी को लेकर जो आरोप लगे उनके पति को लेकर, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? ये सब कुछ ठीक ठाक आपको नजर आता है? एक ना एक ऐसा विधायक नाराज जरूर दिखता है जब सदन शुरू होता है। देखिए अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि हर पार्टी में एक धड़ा है और दो धड़े होते हैं और वो हाई कमांड जिसके ऊपर हाथ रखा रहता है वो सत्ता में रहता है और वो दूसरे पार्टी के धड़ा, जो दूसरा धड़ा है उसका पार्टी का, वो उसकी उपेक्षा करता है। मध्य प्रदेश में यही हुआ, ज्योतिरादित्य को आखिर छोड़ना पड़ा, तो ये सब चलता रहता है पार्टी के भीतर। पर मुझे लगता है कि ऐसे समय में ये सब चीज़ें, अब ये है कि वो अपनी ग्रेवेंस को सामने लाना चाहते हैं, तो कोई तरीका उनने देखा तो इसके कारण उनको काफ़ी पब्लिसिटी मिल जाएगी और ये हो जाएगा। बाकी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के दो धड़े हैं, इससे कोई असहमति नहीं है और ये तो जग जाहिर है। ठीक, धनंजय सिंह ठाकुर जी, ये सत्र सिकुड़ते क्यों जा रहे हैं? अब सवाल ये है, विपक्ष चर्चा करना चाहता है तो आप दीजिए ना समय। आप लोग कहते हैं कि हम तो लोकतंत्र की पूजा करते हैं, विधानसभा हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन विधानसभा में चर्चा नहीं करना चाहते, विधायक समय नहीं देना चाहते, अलग सचिवालय है, सारी व्यवस्था बनी हुई है, उसमें जनता का पैसा लगता है, क्या महज 10 दिन 13 दिन 14 दिन 4 दिन 3 दिन इसके लिए सदन है? वो भी तीन ही बार चलना है साल में, गिन चुन के 20-25 बैठकें ही होनी है केवल। देखिए इस राजनिर्माण के बाद अभी विधानसभा सत्र 13वां सत्र है, इसके पहले जो 12वां सत्र हुआ था उस भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का क्या रोल है? स्वाभाविक सी बात है, सदन की कार्यवाही को किस प्रकार से बाधित किया गया, हंगामा किया गया, किस प्रकार से सदन की गरिमा को चोट पहुंचाने का भाजपा के विधायकों द्वारा किया गया, मैंने कहा आप सवाल लगा है और सवाल को स्वीकार कर सरकार को जवाब दे रही है, आप जवाब तो सुनिए ना, सवाल खुद लगा है, खुद सदन छोड़कर चले जाएंगे, कहाँ पे औचित्य है? स्वाभाविक सी बात है, जब भाजपा के विधायकों को सदन की कार्यवाही का, सदन के समय का ही महत्वपूर्ण समय का ही कदर नहीं है, इसमें सदन छोटा हो या बड़ा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार अपने काम करती है, सरकार अपने रोडमैप पे काम करती है, सरकार अपने आने वाले राज्य के कल कैसा हो उसको लेकर काम करेगी, उसमें सदन की कार्यवाही की जाती है। तो हमने जो सदन का सत्र रखा हुआ है पर्याप्त समय है उसमें, और उसमें बजट सत्र है, जो आने वाले जो समय छत्तीसगढ़ कैसा होगा उस विभाग के हित की शुरुआत होगी, क्योंकि सवाल ये उठता है ना कि जो सवाल विपक्ष लगा रहा है उस सवाल का जवाब तो सुने,
अगर वो हंगामा करेंगे तो एक महीने का एक साल का सत्र ले लीजिए, उचित नहीं रहेगा। नहीं तो वो हो हंगामे में भी सर जनता के मुद्दे छुपे होते हैं कई बार। आप लोग लोकसभा में क्या शांति से बैठकर चर्चा करते हैं? आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक प्रकार से मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सत्ता में और भारतीय जनता पार्टी सरकार सवाल करती है। हम जब सरकारी सरकार जब दबाव देने चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी सदन के कार्य को बाधित करती, हंगामा करती है और वेल में जाकर वो निलंबित हो जाती है और मध्य प्रदेश कार्यवाही को डिस्टर्ब कर देती है। अब दिल्ली में चले जाए सदन में, कांग्रेस सब सरकार से सवाल पूछती है तो सरकार के लोग हंगामा करते हैं। दुखद स्थिति है ना, देख लीजिए वहां पे राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान क्या हुआ। हमारे जो राज्यसभा निलंबित थे उनको सदन के कार्य भाग लेने दिया गया, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही है ना। तो दिल्ली में जवाब देना चाहते हैं ना तो छत्तीसगढ़ में जवाब सुनना चाहते हैं, वो हंगामा करना इनकी मकसद है। विमल चोपड़ा जी देखिए, अब आखिरी सवाल मेरा यही है कि आप चर्चा कीजिए, जवाब नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए ना उस मुद्दे को, आप वहीं पर जनता को बाहर आकर बता दीजिए कि ये जवाब मिला है और ये हम इससे संतोष नहीं रखते। उसमें फिर बेल में जाना, बाहर आ जाना, तो फिर समय कितना ही मिल जाए सर, फायदा क्या है उसका? देखिए लोकेंद्र जी, जो जो विधायें दी गई है विधायकों को, जो जो अधिकार दिए गए हैं उनका उपयोग करना विधायक का काम है। और यदि सरकार जवाब नहीं देती है तो बहिर्गमन करके उस मुद्दे को ज्यादा तरीके से उछालना ये विपक्ष का काम है। तो वो जवाब बदल जाता है उससे सरकार का? नहीं नहीं, सरकार जवाब नहीं देती बदल नहीं जाता, सरकार मुंह चुराती है। सरकार के लोग जो हैं जवाब देने से भागते हैं, तो उसको उजागर करने का काम बहिर्गमन से होता है, वेल में जाने से होता है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता जी अभी जो बोल रहे थे, क्या कांग्रेस के लोगों ने वेल में जाने का कभी काम नहीं किया? चलिए उम्मीद है कि वेल में जाने से अच्छा है कि अपनी अपनी सीट पर बैठकर आप चर्चा कीजिएगा, जो भी समय है और बजट पर सबकी नजरें हैं वो बेहतर हो। लास्ट समय इतना ही है, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।